good morning everybody most welcome in this question answer session today it belongs to standard 4 lesson 4 named the squirrel answer these questions so let us participate in, in this question answer session question first a which plant was at the gate of the garden बगीचा के गेट पर कौन सा पौधा था आंसर देयर वॉज ए तुलसी प्लांट एट द गेट ऑफ द गार्डन बगीचा के गेट पर एक तुलसी का पौधा था क्वेश्चन फर्स्ट भी हाउ डिड द स्क्ल हेल्प इन बिल्डिंग द ब्रिज गिलहरी ने पूल बनाने में कैसे मदद की आंसर द एस्ट्यूरेल कैरीड स्मॉल पीसेज ऑफ सैंड इन इट्स माउथ एंड ड्रॉप देम इन टू द सी गिलहरी अपने मुख में बालू के कणों को भर ली कुछ कणों को भर ली और उसे समुद्र में गिराई इन दिस वे इट हेल्प्ड इन बिल्डिंग द इस तरीके से वह समुद्र में पुल बनाने में मदद की क्वेश्चन फर्स्ट सी वाई वाज द एस्क्यूर कैरिंग सीड्स गिलहरी बीजों को क्यों ढो रही थी आंसर द एस्क्यूरल वाज कैरिंग सीड्स फॉर हर बेबी एस्क्यूरेल गिलहरी अपने छोटे बच्चों के लिए यानी बेबी स्क्रियल के लिए बीजों को ढो रही थी क्वेश्चन फर्स्ट डी व्हाट डिड हर्षिता डू व्हेन द बेबी स्क्ोरियल फेल जब गिलहरी का बच्चा गिर गया तो हर्षिता ने क्या किया आंसर हर्षिता ब्रॉड ए ग्लास ऑफ वाटर एंड हैड पॉड इट ऑन द बेबी एस्ल्स माउथ हर्षिता एक ग्लास जल ले आई और उसे उस बेबी एस्ल के मुंह में धीरे धीरे गिराई क्वेश्चन फर्स्ट ई हाउ डिड द एस्क्यूर गोट इट्स स्ट्राइप्स गिलहरी को स्ट्राइप्स कैसे बने यानी जो उसमें धारियाँ थी उसके शरीर में वो कैसे बने आंसर द एस्क्यूरेल गोट इट्स स्ट्राइप्स आफ्टर स्मूथ टचिंग थ्रू डिवाइन फिंगर्स ऑफ लॉर्ड राम भगवान राम के दिव्य उंगलियों के द्वारा स्पर्श होने पर उसे वह स्ट्राइप यानी धारियां प्राप्त हुई थी इस तरीके से आपने क्रमिक रूप से प्रश्न उत्तर को देखा अब अगले न, सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग भाग लेंगे क्वेश्चन सेकेंड राइट ट्रू और फॉल्स फर्स्ट सेंटेंसेस ट्रू माने सत्य और फॉल्स मीन्स असत्य देयर वाज ए गार्डन बिहाइंड द हाउस यह ट्रू है इसलिए ब्लू इंक से लिखा हुआ पार्ट आंसर है ट्रू सेकेंड हर्षिता वाज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर यह भी ट्रू है यानी सत्य है क्वेश्चन सी यस पॉट वाटर ऑन द बेबी स्क्रल्स माउथ फॉल्स यह असत्य है क्योंकि

मेक सेंटेंस इज फ्राम द जम्बुल्ड वर्ड यहाँ पर जम्बुल्ड वर्ड हैं यानी अव्यवस्थित शब्द समूह हैं उन उनसे हमें वाक्य बनाने हैं दे इन स्मॉल ए लिव्ड हाउस इनका कोई अर्थ नहीं है इन्हें मिलाकर हम बनाएंगे आंसर दे लिव्ड इन ए इस्मॉल हाउस यानि ब्लू इंक से लिखा हुआ सेंटेंस आपका आंसर है इसी तरह से बी ब्यूटीफुल वाज वेरी द गार्डन इसका कोई अर्थ नहीं है इसे हम बनाएंगे द गार्डन वाज वेरी ब्यूटीफुल सी डे नाइट एंड वेयर मंकीज वर्किंग ये कोई अर्थ नहीं रखता ये सब समूह इसका आंसर होगा मंकीज वेयर वर्किंग डे एंड नाइट डी सौ एस एक्ल बेबी ए इसका कोई अर्थ नहीं है इस सब समूह का अब इसे हम सजाएंगे और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे वो क्या होगा यश शॉ ए बेबी एक्ल नेक्स्ट ई हैप्पी बिकैम बोथ फेरी इसका कोई इस सब समूह का कोई अर्थ नहीं है इसका आंसर होगा बोथ बिकैम वेरी हैप्पी क्वेश्चन फोर फिल इन द ब्लैंक्स विद द ड Word है गेस्ट ग्लैड इंटरेस्टिंग स्ट्राइप्स एंड ने फर्स्ट क्रिकेट इज एन इंटरेस्टिंग गेम यहाँ इंटरेस्टिंग भरा आप देख सकते हैं इंटरेस्टिंग यहाँ फिलअप किया हुआ है इसी तरह से आपको फिलअप करना है बी देर आर स्ट्राइप्स ऑन द बॉडी ऑफ द जेपड़ा यहाँ स्ट्राइप्स होगा इस ब्लैंक्स में सी द बर्ड लिवस इन द ने इन इट्स नेस्ट यहाँ इस ब्लैंक्स में नेस्ट हुआ डी ए गेस्ट केम टू माई हाउस यहाँ गेस्ट इस ब्लैंक्स में हुआ इस तरह से आप देखेंगे इस ये जो आपको दिए गए शब्द थे उसमें से गेस्ट आ गया ई आई एम ग्लैड टू मिट यू यहाँ ग्लैड भरा गया है इस तरीके से आपको ग्लैड भरना है क्योंकि यही सूटेबल है एफ द क्रेन लिफ्ट द ट्रक यहाँ लिफ्ट सुटेबल है इस तरह से आपके फिलऑफ द ब्लैंक्स भी हो गए आइए क्वेश्चन नंबर फाइव मेक एबस्ट्रैक्ट नाउन बाय एडिंग एन ई एस यानी नेस नेड और शिप जोड़कर आपको एबस्ट्रैक्ट नाउन बनाना है एग्जामपुर ब्लू क्वेश्चन है रेड in इंक में और आंसर है ब्लू इंक में काइंड kind, काइंडनेस किंग किंगशिप ओनर ओनरशिप बॉय बॉयहुड चाइल्ड चाइल्ड हुड फ्रेंड फ्रेंडशिप एस एच आई पी फ्रेंडशिप हुआ मदर मदरहुड डार्क Dark, डार्कनेस इसमें एन ई डबल एस जुड़ेगा डार्कनेस ग्रेट ग्रेटनेस जी आर ई ए टी एन ई डबल एस फिट फिटनेस इस तरीके से आपने एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस एवस्टेक्ट नाउन बनाना सीख गया आप सीखे इसके लिए धन्यवाद आप इसे नोट कर बारी बारी से चेक कराएंगे ताकि हाफ ईयरली एग्जाम में आप सही उत्तर देने में सफल हों इन्हीं अपेक्षाओं के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग सी यू नेक्स्ट क्लास